सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और आप लोग उम्मीद करता हूं कि ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपने लोगों के बीच में सकुशल होंगे। ये हम लोग हैं फिल्म सिटी रोड पर, ये दिंडोशी ये जगह है। फिल्म सिटी से ये मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मुंबई गोरेगांव ईस्ट। ये दिंडोशी डिपो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। और आज ये 523 और 525 नंबर की बस जो है वाशी जाती है, 525 नंबर की बस वाशी के लिए जाती है, यहीं से बनकर चलती है और यहीं पर आकर वापस से समाप्त हो जाती है। और बेहतर रहता है कि जहां से बस बनकर चलती है मुंबई में तो आपको बैठने की जगह मिलती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं 718 नंबर की बस से। जी हाँ दोस्तों, ये होकर जाएगी हमें यहाँ से दिंडोशी से लेकर जाएगी और मलाड़, कांदीवली, बोरीवली, दाईसर, मीरा रोड और भाईंदर तक का सफ़र आज हम आपको लेकर तय करने वाले हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ में। ये दिंडोशी डिपो जो कि फिल्म सिटी से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज हम आपको बहुत ही आनंद कराने वाले हैं बस के माध्यम से। बाइक के माध्यम से तो बहुत घूमे हैं, बहुत घुमाया, लेकिन आज बस के माध्यम से ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मुंबई गोरेगांव ईस्ट। ये दिंडोशी डिपो ये फिल्म सिटी के पास में ही स्थित है, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फिल्म सिटी से। और ये पूरा फिल्म सिटी रोड से हम लोग जा रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं ये ओबेराय मॉल चौराहे पर और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। दोस्तों हम बस में आ चुके हैं और यहाँ से हम राइट लेंगे दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है दोस्तों। बीच बीच में जो भी जगहें आएंगी मुंबई की खूबसूरती को दिखाते हुए और उनके बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे कि कहां पर कौन कौन सी जगह फेमस है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत कर लेते हैं। और ये हम लोग गोरेगांव ईस्ट से निकलकर ये आपको लेकर आ चुके हैं मलाड़ ईस्ट में। और ये मलाड़ ईस्ट में दोस्तों यहां पर जो है, अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट ऑफिस मलाड़ ईस्ट में साईं बाबा मंदिर के जस्ट पास में ही स्थित है। आप या तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं और आप स्वयं आकर यहाँ पर पासपोर्ट बनवा सकते हैं मुंबई में अगर आप रहते हैं। तो ये जानकारी मैं मुंबई वासियों के लिए दे रहा हूँ कि मलाड़ ईस्ट में जो है पासपोर्ट ऑफिस है, साईं बाबा मंदिर के पास में ही स्थित है। और इस स्टॉपेज का नाम है दोस्तों पठानवाड़ी। पठानवाड़ी के नाम से ये जगह जानी जाती है, इस स्टॉपेज को कहा जाता है। और आज वाकई ही बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। जैसा आप बैठकर अगर पूरे वीडियो का अगर आप लुत्फ़ लेंगे तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। तो चलिए ये हम आपको लेकर आ चुके हैं और मलाड़ के ये पूरा मलाड़ क्षेत्र आप लोग ये देख सकते हैं। और यहीं से उतरकर जो है मारवे बीच, मड आइलैंड के लिए जाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हम एक बार कंटिन्यू। मलाड़ वेस्ट से 271 नंबर की बस मिलती है अगर आप मड आइलैंड के लिए आप जाना चाहते हैं तो। पिछले वीडियोस हम लोगों ने डाल रखे हैं ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में, आप उसे सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये हम आपको बातों बातों में लेकर आ चुके हैं दोस्तों कांदीवली। जी हाँ दोस्तों, ये कांदीवली मैं बहुत ही फेमस, एक तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है कांदीवली। ठाकुर ट्रस्ट है वहाँ पर और ख़ासकर जो यूपी के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो रहते हैं दोस्तों, उनके लिए विशेष रियायत दी जाती है। और आप भी अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप मुंबई में आकर ठाकुर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठाकुर पॉलिटेक्निक भी यहाँ पर स्थित है, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है और साइंस कॉलेज भी स्थित है दोस्तों। और यहीं पर बहुत ही फेमस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो कि जीपे बना
बनाती है, कार बनाती है, और बहुत ही फेमस यहाँ बहुत बड़े लेवल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, जो कि अपने मिलिट्री ट्रक्स वगैरह भी बनाती है दोस्तों। और ये पूरा ये चौराहा ये ठाकुर एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से ही पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सामने की रोड में आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो ठाकुर साइंस कॉलेज, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज आप चले जाते हैं। और ये पूरा कांदिवली क्षेत्र हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मुंबई बहुत ही खूबसूरत दोस्तों बसा हुआ है। ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोस्तों पूरा अहमदाबाद तक है। अहमदाबाद क्या आप दिल्ली जाना चाहें, चंडीगढ़ क्या, पूरा बहुत ही फेमस दोस्तों ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। और इसके माध्यम से आप उदयपुर, राजस्थान, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ तक का सफ़र आप इससे तय कर सकते हैं। हम लोगों ने बाइक से गए थे इसी रूट से दोस्तों, इसी रूट से हम लोगों ने दिल्ली तक का सफ़र भी तय किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और पूरे इस रूट को तय कर सकते हैं आपके किस तरह का रूट है। बस के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं या फिर अपने फोर व्हीलर के माध्यम से जाना चाहते हैं या टू व्हीलर के माध्यम से अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां से आप जा सकते हैं। और ये पूरा कांदिवली का मनोहर दृश्य आप लोग ये देख सकते हैं। और बहुत ही मुंबई जो है वाकई अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इसे सपनों की नगरी इसीलिए तो कहा जाता है। जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मुंबई शहर एक बार अवश्य देखें। अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, मुंबई में तो आकर आप देख ही सकते हैं। और हम आपको घर बैठे आपको मुंबई की सैर करा रहे हैं दोस्तों। मुंबई का चप्पा चप्पा हम आपको दिखा देंगे। और ये कांदिवली के बाद में दोस्तों बोरीवली आ जाता है। और बस हम लोग आपको लेकर अब ये बोरीवली पहुँचने ही वाले हैं। और यहीं पर नेशनल पार्क है दोस्तों, और ये हम आपको दिखाएंगे कि बोरीवली में नेशनल पार्क कहाँ पर है। बहुत ही अद्भुत है यहाँ पर। घूमने के लिए आप टाइगर सफारी कर सकते हैं, कैनरी केव्स है बहुत ही प्राचीन, और बारिश के ऋतु में तो बहुत ही आनंद आ जाता है बोरीवली नेशनल पार्क में दोस्तों। ये भी बिल्कुल जस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल टच ही है। और ये लीजिए हम बस आपको लेकर पहुंचने ही वाले हैं। ये बोरीवली स्टार्ट हो चुका है दोस्तों यहाँ से। ये फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये नीचे से जा रहे हैं क्योंकि बस नीचे से जहाँ से रूट रहता है वहाँ से लेकर जाती है। और ये बोरीवली नेशनल पार्क में अगर आप आएंगे तो मेरा दावा है कि बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको। और बिल्कुल आइए, ये हम आपको यहाँ से दिखाते हैं इसका मेन गेट, बोरीवली नेशनल पार्क का मेन गेट। ये देखिए बस आने ही वाला है, ये चौराहा आएगा। चौराहे के जस्ट अपोजिट में सामने आप ये देख रहे हैं बोरीवली नेशनल पार्क, जो ग्रीन पूरा ये गेट आप देख रहे हैं, ये बोरीवली नेशनल पार्क का ये गेट है, मेन गेट है। यहीं से आप टिकट लेकर आप इसके अंदर जा सकते हैं और टाइगर सफारी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन कैनरी केव्स है, उसका आनंद ले सकते हैं। और जब भी मुंबई में आए आप बोरीवली में ज़रूर आए और यहाँ नेशनल पार्क ज़रूर देखें दोस्तों। तो फिलहाल हम आपको लेकर ये चल रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। सबसे पहले हम लोग गोरेगांव से निकले थे, गोरेगांव के बाद में गोरेगांव ईस्ट में निकले थे, तो वहाँ से गोरेगांव से मलाड आए, मलाड से कांदिवली, और ये बोरीवली क्रॉस हम लोग अब कर चुके हैं। और अब आपको लेकर आगे जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आएगा दहिसर, दहिसर चेकनाका। किस किस तरह के अलग अलग नाम हैं मुंबई शहर में दोस्तों। 20-25 साल यहाँ पर रहते रहते
गुजार दिए, तो हमने चाहा कि चलो भाई, हमने तो मुंबई अच्छे से देख लिया और शूटिंग लाइन वाले लोग ज़्यादातर मुंबई शहर को देख लेते हैं क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग करने के लिए जाते हैं। आम मुंबई वासी भी इतना नहीं घुमा पाता जितना हम आपको घुमा पा रहे हैं और इतनी नॉलेज के साथ में, तो ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं दहिसर। दहिसर में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये दहिसर चेकनाका, यहाँ पर टोल नाका है दोस्तों, यहाँ तक ये मुंबई की सीमा रहती है, इसके बाद में ठाणे की सीमा आरंभ हो जाती है। और जितने भी बाहर से ट्रक्स वगैरह आते हैं यहाँ पर पूरा चेकआउट किया जाता है यहाँ पर, उसके पश्चात ही उनको अंदर मुंबई में एंट्री दी जाती है। ये पूरा चेकनाका, दहिसर चेकनाका दोस्तों। और दहिसर में मनोरंजन के बहुत ही साधन हैं, ख़ासकर बियर बार्स हैं, डांसिंग बार्स हैं, सिंगिंग बार्स हैं। जितने भी गुजरात से जो मर्चेंट हैं दोस्तों, व्यापारी लोग हैं, यहाँ पर सैटरडे संडे अपने आनंद के लिए आते हैं, क्योंकि गुजरात में जो है पूरा ड्राई है, वहाँ पर शराब वगैरह नहीं मिलती है। मिलती तो सभी जगह है, वैसे ब्लैक में सब जगह मिल जाती है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई शहर में सुविधाएं हैं, बियर बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और नाइट क्लब्स हैं, तो दोस्तों पैसा तो इंसान अपने लिए ही कमाता है ना, तो अगर उस पैसे का भोग ना करे, लेकिन ये है कि अच्छी आदतों के साथ में और लोगों का साथ भी देना चाहिए। खैर, अच्छी बातें तो हो चुकी, ये हम लोग आपको लेकर पहुंच चुके हैं। ये दहिसर, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। ये आपको दहिसर दिखा रहे हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर एक स्टूडियो भी है, आगे हम आपको बताएंगे स्टूडियो कहाँ पर है। और ये बहुत ही अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ यहाँ पर बना दी गई हैं। और इस स्टॉपेज का नाम है ठाकुर मॉल है, ये सामने ठाकुर ने पूरा कांदिवली को तो ठाकुर के नाम से ही जाना जाता है। ये ठाकुर मॉल है, ये हम लोग ये दहिसर में हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि और थिएटर्स अभी बंद हैं। थिएटर्स बहुत जल्द ही बस चालू होने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री साहब करने वाले हैं, और जैसे ही थिएटर्स वगैरह चालू हो जाते हैं तो बस यही है कि लोगों को अपना अपना ख्याल रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और दोस्तों ये विष्णु मंदिर का स्टॉपेज है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टूडियो है विष्णु मंदिर स्टॉपेज के जस्ट पास में ही, यहाँ से आप सीधे आप जा सकते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी शूटिंग वहाँ पर की है। यहाँ पर जो स्टूडियो का नाम है दोस्तों, एलोरा स्टूडियो है, बहुत ही फेमस। उसके अंदर हॉस्पिटल भी बना हुआ है, जेल भी बने हुए हैं और तीन चार बड़े बड़े सेट्स हैं वहाँ पर। जब भी शूटिंग के लिए अगर आप मुंबई वाले आना चाहें तो यहाँ पर उतर कर, विष्णु मंदिर के स्टॉपेज पर उतर कर, आप एलोरा मिल स्टूडियो में आप जा सकते हैं। इस ब्रिज के अपोजिट साइड में सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये हम आपको लेकर बस अब पहुँच चुके हैं दोस्तों, मीरा भाईंदर। जी हाँ दोस्तों, इसे मीरा रोड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ऊपर चला जाता है, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। हमें भाईंदर तक का सफ़र तय कर रहा है आज। और ये मीरा भाईंदर के नाम से, ये काशी मीरा इस स्टॉपेज का नाम है। यहाँ से हमें ये लेफ्ट लेना है, जैसा कि बस मुड़ रही है यहाँ पर। और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को हम लोगों ने छोड़ दिया है, और यहाँ से हमें ये लेफ्ट लेना है। यहाँ पर ये शिवाजी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर ये लगी हुई है। ये पहचान के लिए भी हो जाती है कि अगर आप भाईंदर जाना है तो ये शिवाजी की प्रतिमा से हमें लेफ्ट लेना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा, फिल्मों में भी यहाँ पर काफ़ी शूटिंग की गई थी दोस्तों। और अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, और उसका नाम तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग ये मीरा भाईंदर रोड, इस रोड को बोला जाता है दोस्तों पूरा। और आप अगर मुंबई में आकर थोड़ा कम बजट में अगर आप अपना फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही वाजिब है। अभी पूरी मेट्रो का काम भी यहाँ पर चल रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ के दाम दिन दुगने और रात चौगने पड़ने वाले हैं। ये पूरा मेट्रो का काम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर भी पूरा सुपरमार्केट क्या सब बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं और पीसफुल लाइफ है यहाँ पर आकर। बस यही है कि जाने जाने में मुंबई का ट्रैफिक बस थका देता है, और ट्रेन से बेटर तो बस रहती है। बस के माध्यम से अगर आप मुंबई भाईंदर में अगर आप रहते हैं और बस के माध्यम से फिल्म सिटी जाना चाहते हैं तो 718 नंबर की बस पकड़िए और आपको सीधे वो आपको दिंडोशी उतार देगी गोरेगांव ईस्ट में, और वहाँ से और एक और बस चलती है C72 नंबर की बस है, वो भाईंदर से सीधा बांद्रा साइन तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं। वो सीधा ऊपर वाले ब्रिज से होकर जाती है वो बस, C72 नंबर की बस। आप फटाफट आप स्पीडली अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये पूरा आप ये देख सकते हैं पूरा मीरा भाईंदर रोड, ये पूरा भाईंदर बसा हुआ है, मीरा भाईंदर रोड है ये पूरा। इसे पूरा इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में मीरा रोड है और ये पूरा साइड में पूरा भाईंदर ये बसा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आज हम आपको स्टेशन भाईंदर स्टेशन तक का पूरा सफ़र आपको तय कराने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आकर आप अपने फ्लैट परचेज कर सकते हैं और कम कीमत में आपको यहाँ पर फ्लैट मिल जाएंगे। और ये बस अब हम लोग भाईंदर जो मेन पुराना भाईंदर है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये यहाँ पर ये पूरा मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ से अब हम आपको आगे के लिए लिए चल रहे हैं। ये पूरा भाईंदर का मार्केट को आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पूरा भाईंदर का मार्केट आप लोग ये देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको यहाँ पर सस्ते दामों में ये पुराना भाईंदर है दोस्तों, यहाँ पर और कम रेट में आपको फ्लैट्स परचेज आप कर सकते हैं। क्योंकि और ये यहाँ से हम लोग ये मंदिर के पास से यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, और यहाँ से बस स्टेशन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और हम आपको लेकर भाईंदर स्टेशन पहुँच जाएंगे बहुत ही जल्द। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा ये नवघर रोड इसे कहा जाता है, इस रोड का नाम है नवघर रोड। जी हाँ दोस्तों, और भाईंदर से दोस्तों आप घूमने के लिए आप उत्तन जा सकते हैं। उत्तन जो है बहुत ही अच्छा बीच है, गोराई बीच माना जाता है, और एसएल वर्ल्ड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो भाईंदर वेस्ट से बस चलती है। फिलहाल हम बस से उतर लेते हैं फिर आपको आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो ये बस यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है, 718 नंबर की बस। ये इस साइड में ईस्ट है और उस साइड में भाईंदर में चले जाएंगे तो उस साइड को वेस्ट कहा जाता है। सीफेस साइड को मुंबई में वेस्ट के नाम से जाना जाता है और इस साइड में ईस्ट साइड के नाम से जाना जाता है। ये बस ने हमको यहाँ पर उतार दिया और ये 2-4 मिनट के लिए ड्राइवर साहब रेस्ट करेंगे, और तब तक हम आपको ये यहाँ के स्टेशन के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का ये स्टेशन है भाईंदर का स्टेशन, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया जा रहा है अभी तो। और ये यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया एसएल वर्ल्ड के लिए आप जा सकते हैं, और इसी बस से अब हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा मोटिव जो था यही था कि हमें अपने दर्शकों को फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट से भाईंदर तक का सफ़र आपको तय कराना है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, ये पूरा आप भाईंदर स्टेशन को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो बोलने की बात है नहीं, अच्छा भी नहीं लगता, और जब मज़ा आता है वीडियो को तो इंसान खुद ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करता है। तो अपना ख्याल रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ वीडियोस के लिंक डाल रखे। 1 घंटे का वीडियो है जिसमें आप पूरा मुंबई फिल्म सिटी, सारे एक्टरों के घर और जितने भी फिल्म स्टार के घर हैं और मुंबई की बहुत ही खूबसूरत जगह को आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा वाकई ही दिल से, और आपको इतनी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरी बेहतर जानकारियाँ मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा और आपका घूमने का ये प्लान, तो यहाँ पर आकर ये समाप्त होता है। ये भाईंदर स्टेशन हम लोग ये पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुशहाल रहिए और पॉजिटिव सोचिए। कभी भी नकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में ना आने दें और हमेशा अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, और गुस्से को तो अपने शरीर से निकाल दें अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। और प्रकृति का आनंद लीजिए जितना हो सके, घूमिए फिरिए, आनंद कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही फिर घूमते हुए नेक्स्ट मुंबई के वीडियो में।